दादाजी आपने ऐसे धर्म संकट में मुझको डाल दिया है, यहाँ जितने कलमकार लोग समझ रहे होंगे जी कि पक्ष मिला लक्ष्मण का जी, लक्ष्मण का पक्ष होने के बाद पहले जबरदस्ती टॉस कराया, टॉस करो। अच्छा मान लो आप टॉस जीत जाते, हमसे कहते कि लक्ष्मण शुरू करो, तो लक्ष्मण क्या करते हम जब परशुराम जी आए नहीं तो घुइयां छीलते क्या? अब आ भी गए, टॉस मिल भी गया, हमने परशुराम जी को आमंत्रित किया जी, अब उनको प्रणाम ही से फुर्सत नहीं है। अरे अपने गुरु जी का धनुष तो देख लियो, आएगा नहीं शुरू किया जी, तो हम काहे के नहीं उलझे इनसे ना, हम भगवान के चरणों की सेवा ना करें। बिल्कुल मिथिला के सभी न्यासियों से निवेदन करता हूँ, क्या मत प्यार करो देसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे, ये तुम ढूंढ न पाओगे इनको, हम तो रिश्तेदार हैं जी, तुम ढूंढ न पाओगे इनको, ये जाने कहाँ खो जाए, मत प्यार करो परदेसी से, प्यार करो परदेसी से, ये परशुराम जी बैठे हैं, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, हम इस गांव के हैं, इस गांव के राजा तुमको प्रणाम करते हैं, इस राम के राजा महाराज परसा हमसे बचाए रहे हो। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि सब लोग प्रणाम करने आए हैं, इसका मतलब पंडित जी आए, इसका मतलब पंडित जी हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा, पंडित ये कैसे पंडित है, और तो सब कुछ है, पंडित ये कैसे पंडित है, कि धन हुआ और फरसा धारे है, कैसे पंडित, कैसे पंडित, कैसे धन हुआ और फरसा धारे है, और सोच रहे हैं क्या, यज्ञो पवित यज्ञोप वीत कंठी माला, यज्ञोप वीत कंठी माला, और सर पे जटा भी धारे है, कि लखवेश अचंभित है मन में, लखवेश अचंभित है मन में, ये क्या करने यहाँ आए हैं, ये क्या करने यहाँ आए हैं, आश्चर्य क्या है,
जो गाल बजाते थे राजा, जो गाल बजाते थे राजा, इन्हें देख के ही थर निवेश में है परनाम करें, पर नाम भाई का जोड़ा है। एक प्रणाम करने का आस्था से ना सही, मैंने इनको ना सही, तो इनके नाम में परशुराम जोड़ा है, तो मैंने राम को प्रणाम किया। नाम भाई का जोड़ा है, लेकिन नाम तो जोड़ लिया इन्होंने, मैंने प्रणाम कर लिया, लेकिन तब छोड़ यहां आए मुनिवर, तप छोड़ यहां आए मुनिवर, क्यों संदेह भी थोड़ा थोड़ा है। ए ये ये क्या बात है, क्या बात है। सन तप छोड़ यहां संदेह भी थोड़ा थोड़ा है, संदेह भी थोड़ा थोड़ा है। भौहें ही लगे, भौहें जो लगे कुछ तनी तनी, ज्यादा नहीं ज्यादा ना सही, पर तनी तनी, ज्यादा ना सही कुछ तनी तनी, भौं है इनकी है तनी तनी, ये राज समझ नहीं आए। जब राज बताएंगे तो देखा जाएगा, हमें राज समझ ही ना आए, यहाँ क्या करने मुनि आए। ये बाबा बैठे रहो, हम बोलेंगे नहीं ना, तुम पहले धनुष देखो। बोलिए रामचंद्र की जय। आपके साथ आदरणीय दीक्षित जी, इधर परशुराम जी की ओर से केवल आना हुआ सभा में और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तो इधर भी राज समझ नहीं पाए हैं। आप भी अपनी ओर से विराम लगाए हैं, अभी कोई काई को छेड़ नहीं रहा है, अब जब छेड़ेंगे तब आनंद आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों ही अनुभवी कलाकार हैं। शिक्षा केवल शब्द समझाती है, अनुभव अर्थ समझाता है। आज अनुभव बोलेगा यहां, निश्चित रूप से आप बुजुर्ग मत समझिए इनको, आदरणीय दादाजी को
जिल्द पुरानी है लेकिन पन्ना अच्छा है, जिल्द पुरानी है पर पेज अच्छा है, नॉन वेज से पेज अच्छा है, नॉन वेज से पेज अच्छा है, गाड़ी ढक्का प्लेट ही सही पर एवरेज अच्छा है। आप मत सोचिए, दादा को कम ना समझिएगा, बुजुर्ग है, बहुत सारा अनुभव है। इसलिए कहना चाहता हूं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, वो जब तक ना पड़े हथौड़े की ठोकर तो वो पत्थर भी भगवान नहीं होता, वो पत्थर भी भगवान नहीं होता। और ये शिल्पी हैं, इतने हथौड़े खाए हैं इनने, बिल्कुल कोहिनूर हीरा की तरह सजे हुए हैं। हीरा तो बनाया हर किसी को, चमकता वही है जो तरासने की हद से गुजरता है। ये तरसे तरसाए हीरा हैं, इनको कमजोर मत आकिएगा। आज माता यहां बैठी हैं और ये नारी प्रधान देश है, यहां सम्मान आज से नहीं, सनातन से, वेद पुराणों से हमारी माताओं का सम्मान हुआ है। अगर आपको बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाइए, लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाइए, और शक्ति चाहिए तो पार्वती जी के पास जाइए। आदमियों को छोड़ा क्या है, वो भी शंकर जी को ऐसी ठंड में हिमालय पे बैठा दिया, वो भी बिना कपड़ों के, और गले में सांप लपेट दिया, ऊपर से गंगा और बहा दी, बेचारा ठंड में कप रहे हैं। और क्षीर सागर में विष्णु जी को बैठा दिया, विदाउट पोलियो मिनिस्टर हैं दोनों अधिकारी, उस सारी शक्ति हमारी माताओं को दी है। इसीलिए नारियों का सम्मान भारत में होता है, क्योंकि एक ही देश है जहां धरती को भारत को मां कहा गया है, इंग्लैंड को मानी कहा गया, जापान को मानी कहा गया, रूस को मानी कहा गया, केवल भारत को मां कहा गया है। इसलिए कहना चाहता हूं, भारत माता शब्द नहीं, श्रद्धा का संबोधन है, प्रेम, भारत माता प्रेम समर्पण संबल का उद्बोधन है। ये भारत ये सबकी माता है और सबकी दाता है, ये किसी धर्म की नहीं, सवा अरब की माता है, सवा अरब की माता है। और फिर से एक घोषणा, आदरणीय हमारे बुंदेलखंड उत्थान समिति के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कीर्तन मंच के संरक्षक भाई देवेंद्र तिवारी जी ने घोषणा की है कि 31 मार्च को पुनः यहां विषयबद्ध होगा, तालियों से स्वागत करिएगा। आज ही घोषणा हो गई है और निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। अब मैं आवाज देना चाहता हूं, शब्दों को अर्थ के परवाज देता हूं, शब्दों के सुरों के साथ देता हूं, शब्दों के अर्थ को परवाज देता हूं, ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। गीत की गंगा को आवाज देता हूं, गीत की गंगा को आवाज देता हूं। आ रहे हैं आदरणीय दादाजी, सुनिएगा, ताली कमजोर हो रही है। हेलो हेलो हेलो, माता रानी नहीं करेंगी रखवाली अगर तुम ना बजाओगे ताली। आवाज बढ़ा भैया, ये ध्यान रखो, ताली नहीं बजाओगे तो महाराज जी भी रखवाली नहीं करेंगे आपकी। इसलिए अगर और टाइम का विशेष आदेश हुआ है ऐसा में, अगर टाइम का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि आज जंग हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। आ रहे हैं आदरणीय दादाजी, तालियों से स्वागत करें। हेलो, बेस थोड़ा बेस ढोलक का बढ़ा दीजिए ये। हेलो हेलो, जय हो लखनलाल सरकार। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, गुरुदेव के आशीर्वाद से सब बढ़िया हो रहा है। सत्य कहूं, जैसा दीक्षित जी कह रहे थे कि मेरा स्वभाव चंचल है, उसी के अनुरूप उन्हें लक्ष्मण पक्ष मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में मेरे स्वभाव के अनुरूप मुझे पक्ष नहीं मिला।
सत्य बात तो यह है, लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा कि वो अभिनय करना है तो करना है, फिर विषयवद्ध का मतलब क्या है? तो मेरे अनुरूप, क्योंकि मेरा नाम, मेरे नाम में भी माता दीन लगा है, अब दीन कहीं परशुराम हो सकता है, लेकिन आज मैं बनूंगा परशुराम। परशुराम की आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश कर गई है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के आशीर्वाद से, स्नेह से, प्रेम से मैं करूंगा। अभी बहुत बढ़िया मेरे अनुज श्री लालचंद दीक्षित जी के द्वारा बड़ा ही अच्छा अपना पक्ष उन्होंने निर्वाह किया, कोशिश कर रहा हूं मैं भी, मजबूरी थी उनकी क्या करें, कि मैं भी अपना पक्ष प्रबल रूप से प्रस्तुत करूं। गीत आया विषय का गीत, अब दीक्षित जी एक गड़बड़ कर दिया आपने, विषय का गीत गाया, इसके बाद एक स्वतंत्र गाना गाना चाहिए आपको, विषय वद में एक विषय का गीत और एक स्वतंत्र गीत, तो स्वतंत्र गीत में भी आपने विषय का ही गा दिया, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन मैं विषय का आपका जवाब दूंगा और फिर स्वतंत्र गीत दूंगा। आइए, अभी हमारे दीक्षित जी ने बढ़िया गीत दिया है, मैंने जो गाया था वही उन्होंने गा दिया, और स्वतंत्र का कोई जवाब नहीं देना, जैसे मैं स्वतंत्र गीत गाऊंगा तो ना तो तर्ज का जवाब देना है और ना गीत का जवाब देना, विषय क्या, विषय आगे बढ़ता जाए बस। आइए, अभी गीत आया और उसमें बहुत ही अच्छा चित्रण किया आपने, परशुराम जी पहुंच गए थे, मेरा गीत बोल रहा था, परशुराम जी पहुंच गए थे, राजाओं को देखा, जनक जी स्वयं सीता जी को लाए और प्रणाम करवाया, भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रणाम किया, विश्वामित्र जी से भेंट हुई, इसके बाद आपने भी वही झांकी का चित्रण किया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मेरे समझ से ये मैं गा चुका था, देखा जनक जी ने भृगुपत पधारे, बोले प्रभु अभिनंदन है, नृप ने बुलाया अपनी बेटी सिया को, ऋषिका करते पद वंदन है, अनुज सहित रघुनंदन आए, चरणों में शीश नवाए, ऋषि हर्षाए आशीष कर उठाए, नजरों में बसे राम है, कितना सुंदर सजा आज मिथिला धाम है। ये पूरा चित्रण मेरे गीत में हो गया था, लेकिन आपने कहा ऐसी जोड़ी ना दुनिया में जोड़ी जैसी सुख धाम की, जय जयकार आज होती सीताराम की, लेकिन वहां झांकी नहीं सजी थी। आप साहित्यकार लोग बैठे हैं, क्योंकि सीता जी जयमाला डाल के वापिस हो गई थी, झांकी नहीं, आजकल वो सिस्टम है कि जयमाला डाल के फिर वर और वधू बैठते हैं, तमाम फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं, वहाँ कोई फोटो वोटो नहीं खींची गई, वहाँ फोटो वोटो नहीं खींची, जनक जी वो जयमाला डाल करके जानकी जी वापिस चली गई, लेकिन जब परशुराम जी आए तो फिर सीता जी को बुलाया और प्रणाम करवाया, लेकिन जब परशुराम जी पहुंच गए थे तो चलिए अब ठीक है, आपने गा दिया, अब चूंकि आपने ये कह दिया कि परशुराम जी की नजर सब राजाओं पे पड़ी, साज सजावट पे पड़ी, उस टूटे हुए धनुष के टुकड़ों पर नहीं पड़ी, ये आपने कह दिया, तो हमको विषय आगे बढ़ाने का एक मिल गया, एक बहाना मिल गया कि हमको अब जब हम ये कह रहे हैं लक्ष्मण पक्ष से कि धनुष पे नजर नहीं गई, तो अब नजर गई, लेकिन कब गई ये गीत में बता रहा हूं, सुनिएगा। हाँ, ये 2500 मुद्राएं सम्मानी श्री इंद्र विक्रम सिंह जी राजा पहरा वाले आपकी ओर से हैं, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आपको,
और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि समय ज़्यादा ना लगे इसलिए, नहीं तो मैं गा के भी बता सकता था, लेकिन मैंने चूँकि समय ज़्यादा ना लगे, नहीं तो विषय पूरा ना हो पाएगा सुबह तक, इसलिए मैंने संक्षेप में ये बताया। अब आपकी बात हम मान के चल रहे हैं, लेकिन कब जो जिक्र आपने नहीं किया वो मैं कर रहा हूँ, और परशुराम पक्ष की तरफ से, परशुराम स्वयं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जनक राज से पूछते, जब देखा सभा बड़ा भारी उत्सव मचा है, क्या बात है महाराज जनक, क्या बात है, देश देश के राजा क्यों इकट्ठे हैं, ऐसा क्यों, ये कौन सा उत्सव है? तब हुआ क्या? जनक राज से पूछते परशुराम महाराज, क्या उत्सव है नगर में, क्यों जोड़ी सकल समाज। ये आखिर क्यों, ये क्या हो रहा है? जब ये जनक जी से पूछा तब क्या हुआ? मिथिलापति तब खोलते, मिथिलापति तब खोलते सब उत्सव का राज, मिथिलापति तब खोलते इस उत्सव का राज, और खंड धनुष के देख कर क्रोधित हुए ऋषि राज। तब गुस्सा हुए परशुराम जी, परशुराम महाराज को बताया जनक जी ने कि महाराज यह उत्सव मैंने इस बात का किया है कि मैंने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा, जिस जो कोई इस स्वयंवर में इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। ये बात जब जनक जी ने कही तब क्रोधित हुए ऋषिराज, और जब क्रोधित हो गए तो बोले, अभी सीधी भेंट नहीं हो रही है लक्ष्मण जी से, तब बोले, क्या बोले कि बोलो किसने निज जीवन का, कहने लगे, बोले हे जनक राज सची पतिला दो, अरे बोलो किसने निज जीवन का, बोलो किसने निज जीवन का है मौत से नाता जोड़ दिया, मेरे गुरुवल शिव कहने लगे, हे
की राज सच्ची बतिला दो वरी ना ना रहेगा ताज तेरा हे जनक राज सच्ची बतिला दो वरी ना ना रहेगा ताज तेरा अरे मैं दूंगा पलट इसी धरती को है जहां तलक ये राज तेरा कर भंग धनुष इसे उत्सव का कर भंग धनुष इसे उत्सव का अरे बोलो किसने रुख मोड़ दिया मेरे गुरुवर शिवो शंकर का ये धनुआ किसने तोड़ दिया मेरे गुरुवर शिवो शंकर का ये गुरुवर शंकर का ये धनुष किसने तोड़ा जनक से महाराज परशुराम ने कहा और बोले जिसने अपराध किया मेरा आराम से ये जिसने अपराध किया मेरा यदि नाम नहीं पते लाओगे तो मेरे प्रबल परशु से फिर तो मेरे प्रबल इसे परशु से फिर तुम सब ही मारे जाओगे अगर किसी ने नाम नहीं बतलाया तो ये समझ लो कि जितने राजा यहाँ इकट्ठे हुए हैं सुन लो पीछे बैठे हैं जितने राजा यहाँ बैठे हुए हैं एक एक करके मारे जाएंगे ये कहा परशुराम जी ने है कौन अधम जिसने मेरे भुज वल से डरना छोड़ दिया मेरे गुरुवर शिवो शंकर का ये धनुआ किसने तोड़ दिया मेरे गुरुवर शिवो शंकर का मेरे गुरुवर शिवो शंकर का सारी सभा सुन ले परशुराम जी ने कहा सारी सभा सुन ले क्यों बोले कि है जगत विदित इसी फरिशे से है जगत विदित इसी फरिशे से मैंने रिपुदल का नाश किया बहुत पंडित जी कर रहे थे पंडित जी कैसे पंडित हैं ये कैसे पंडित हैं अरे ऐसे वैसे पंडित नहीं है कहा परशुराम जी ने कि है जगत विदित इसी फरिशे से मैंने रिपुदल का नाश किया तप ज्ञान योग रण कौशल से पंडित का मतलब समझते हैं आप क्या होता है अगर आप मतलब समझते होते तो ऐसा ना कहते कि पंडित जी कैसे पंडित जी ऐसे पंडित आई ना करते अगर आप ये कह देते कैसे ब्राह्मण हैं तो बात कहीं तक चल सकती थी लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कैसे पंडित जी तो पंडित का मतलब है किसी भी विधा में दक्ष होना उसका पांडित्य होना वो पंडित है ये बात
तो मैं जहां तक परशुराम की बात है तो उन्होंने कहा तप तप ज्ञान योग रणे कौशल से, तप का पंडित हूं मैं, योग का पंडित हूं, ज्ञान का पंडित हूं, रण कौशल का पंडित हूं। अब तुम ये कह रहे हो कि कैसे पंडित जी ये फरसा अरसा काहे लिए हो, तो फरसा हम इसलिए कि रण कौशल में हम पारंगत हैं, पांडित्य हमारे पास है, इसलिए हम रण क्षेत्र के भी पंडित हैं। और क्या, अब बच के रहना क्योंकि फरसा उठ गया। थोड़ा सा विषय पर मैं बहुत संभल के बात करनी जरूर, हालांकि थोड़ा सा गाने में शुरुआत में, इसलिए चूंकि जिस स्केल से मैं गाता हूं उस स्केल तक आज आवाज नहीं पहुंच रही, जुकाम है, इसलिए मुझे बदलना पड़ा बीच में स्केल। और क्या, आइए तप ज्ञान योगी रणे कौशल से धरती पर धर्म में प्रकाश किया भर गया पाप से घट जिसका भरे गया पाप से घट जिसका उसे घट को ही मैंने फोड़ दिया। अरे वो धनुष तोड़ने वाला कहाँ है, वो धनुष तोड़ने वाला कहाँ है, बदलाओ जल्दी लाओ सामने, मेरे लिए घास मूली जैसा है वो। क्यों कि भर गया पाप से घट जिसका उसे घट को ही मैंने फोड़ दिया। मेरे गुरुवर शिवो शंकर का ये अरे धनुआ किसने तोड़ दिया, अरे बोलो किसने निजी जीवन का है मौत से नाता जोड़ दिया। अब जल्दी बताना नहीं।